नमस्कार, प्योर स्पोकन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि प्योर स्पोकन इंग्लिश है क्या, कैसे इंग्लिश बोलना आता है। किसी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले के पास जाइए और पूछिए कि वो कौन सी दो चीज़ें नहीं करते हैं जो कि हम लगातार कर रहे हैं। ये गलती हम कई सालों से कर रहे हैं, इन दो चीज़ों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश, एकदम फर्स्ट क्लास बोलने वाला है ना मामला, नहीं हो पा रहा है। पहला है स्ट्रक्चर, इसको तो भूल ही जाइए। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे नहीं होने वाला है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इससे नहीं, ना तो आज तक कोई सीख पाया है और ना सीख पाएगा। यस, दैट इज वेरी क्लियर। और दूसरा है वो ट्रांसलेशन। अरे वो ता है, ती है, चुका है, रहा है, दिया है, लिया है ना, और भी मालूम नहीं क्या क्या है। जैसे किसी ने कह दिया कि साहब मैंने दान दे दिया है, अब 5 मिनट आपको ये समझने में लगता है कि इसने किया क्या है, तब समझ में आता है कि अच्छा अच्छा लिया है, दिया है मतलब चुका है, मतलब ये दान दे चुका है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर उन सबको अरेंज करना पड़ता है, तब जाके एक सेंटेंस निकल पाता है। इतनी देर में लग जाता है, समय लगता है ना, तो हेजिटेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, हम चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं और एक दो सेंटेंस हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। यही प्रॉब्लम फेस करते हैं ना आप। तो जब इससे नहीं आ रहा है तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? छोड़ दीजिए, ये यकीन मानिए, छोड़ दीजिए। तो फिर तरीका क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो फिर तरीका क्या है लैंग्वेज को बहुत फ्लुएंट बोलने का? तरीका है सेंटेंसेस, क्योंकि लिखना पढ़ना बोलना सेंटेंसेस पढ़ता है। अब देखिए, हमारी जो बदकिस्मती रही, हमें सिखाया क्या गया था? हमें सिखाया गया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये समझ लें हड्डियों वाला ढांचा, स्केलेटन सिखाया गया था। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हमें बोलना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, एक पूरा सेंटेंस डिलीवर करना पड़ता है। अब समस्या क्या है कि हमें सिखाया ये गया था और बोलना ये है, तो हम यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब का फॉर्म पता लगाते हैं, उनको अरेंज करते हैं, कॉन्फिडेंस जुटाते हैं, तब एक सेंटेंस बोल पाते हैं। इतनी देर में बढ़ता है हेजिटेशन, बढ़ता है ना। यस, तो देखिए सिखाया कितना गलत गया था और बोलना कुछ और पड़ता है। यस, यही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट सेंटेंस सीख लेते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, इसका सेंस है। सेंस छोड़िए, अभी तो सेंटेंस पकड़ लीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। अब इसके आगे पीछे कुछ सेंटेंस लगा लेते हैं, इसके आगे पीछे हम सेंटेंस जोड़ते हैं और बढ़िया से बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए कैसे, हमने पहला सेंटेंस कहा प्लीज फॉरगिव मी, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अरे बोले गलती से हो गया था, तो भाई माफ कर दो यार, किसी को टल्ला लग गया है ना, किसी से आपका पैर किसी को लग गया, कुछ आप करंट को डिस्टर्ब हो गया, तो क्या कहा? प्लीज फॉरगिव मी, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अरे बोले गलती से हो गया, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। या हमने कहा प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट। बोले यार माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूं। आई एक्सेप्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, सबने माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा? प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट, मैं स्वीकारता हूं अपनी गलती। आई एक्सेप्ट, ये ऐसे आई कहना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज ऐसे भोंदू तरीके खड़े कर, आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट, सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। इसको फटाफट तेजी से बोलना सीखिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। रिपीट कीजिए साथ में, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। बार बार बोलिए, धीरे धीरे टंग पर आ जाएगा और जिस दिन बोलने की बारी आएगी अपने आप पूरा सेंटेंस बाहर कूद जाएगा, विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट ट्रांसलेशन। सीखिए क्या कहना है, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। ऐसे ही आई बैग यू, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी।
आई बैग यू प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेहरे के भाव, टोन, एक्सप्रेशन, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज सबने एक साथ कहना चाहिए प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसे इमोशन, फीलिंग, एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना सीखेंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही पूरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो भी घर बैठे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए बुक्स, ऐप और बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ अतुल्य इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इसमें थ्री बुक्स हैं, तीन किताबें हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और कन्वर्सेशन। ग्रामर की बुक में कहीं भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं। वोकैब में रटवाने के बजाय रिवाइज करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। यस, और कन्वर्सेशन वो है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इनके ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, गेम्स हैं, एक्सरसाइज हैं, सब कुछ आपको आपके मोबाइल में अवेलेबल है बुक्स के साथ। आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, मोबाइल से ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो भी किसके, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स के। अरे आपके डोर स्टेप पर, आपके घर। अरे ऐसा मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन आपको एक्टिंग सिखाने आ रहा है या सचिन तेंदुलकर आपको क्रिकेट सिखाने आ रहा है। यस, इस लेवल के टीचर्स आपके पास आएंगे, आपके घर, आपके मोबाइल में, आपके समय के हिसाब से वैसा सिखाएंगे जैसा आपको समझ में आता है, क्योंकि यह है सबसे सही तरीके से सिखाने वाला नंबर वन कोर्स। देखिए, अगर हमें सिखाने के तरीके में प्रॉब्लम होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे, जैसा कि आज तक हुआ, हम स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन में फंसे हुए हैं। अब सीखिए सबसे सही तरीके से सिखाने वाला नंबर वन कोर्स। आज ही कॉल लगाइए, अभी 9009853153, अतुल इंग्लिश लर्निंग कोर्स, सबसे सही तरीके से सिखाने वाला नंबर वन कोर्स।